अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। सैयद उज़्मा परवीन, आज मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे मेरे ही घर में नज़रबंद कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि मैं घंटा घर पर झंडा फहराने जा रही थी। सुना आपने, इनका नाम है सैयद उज़्मा परवीन। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर उज़्मा परवीन लखनऊ के घंटाघर में झंडा फहराने जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि ये वही सैयद उज़्मा परवीन है जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लखनऊ में 15 अगस्त के दिन लगातार चहल पहल बनी हुई थी। इस बीच घंटाघर पर CA और NRC के प्रोटेस्ट में अहम भूमिका निभाने वाली सैयद उज़्मा परवीन को आज अपने हाउस में किसी तरीके से अरेस्ट किया गया है। सैयद उज़्मा परवीन घंटाघर पर झंडा फहराने जाने वाली थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको रोका हुआ है। घंटाघर को पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया है और वहां पर किसी को भी जाने की मनाही है। हालांकि पश्चिमी DCP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के मुताबिक जिन लोगों को झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी और वह घंटाघर जाना चाहते थे, उनको घर पर रोक दिया गया है और समझाया गया है। ऐसे हालात में जिस तरीके से CA NRC को लेकर सैयद उज़्मा परवीन का मानना है कि वह CA NRC से पूरी तरीके से आज़ादी के लिए वह झंडा फहराना चाहती थी, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका है। आपको बता दें कि सैयद उज़्मा परवीन ने कोरोना संक्रमण में सभी धार्मिक स्थलों पर 16 लीटर का टैंक पीठ पर लादकर सैनिटाइजेशन किया था। उनके इस काम की खूब तारीफ भी की गई थी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।